आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स और मैं हूं आपके साथ मुमन रहमान। देश भर में कोरोना वायरस महामारी की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। औद्योगिक गतिविधियों के साथ साथ कई हिस्सों में राजनीतिक गतिविधियों पर भी लगाम लग गई है, लेकिन भाजपा महामारी के बीच भी लगातार राजनीतिक फायदे उठाने की पूरी कोशिश कर रही है। राजस्थान में एक महीने से ज्यादा लंबे समय तक चली सियासी उठापटक के बाद अब भाजपा नॉर्थ ईस्ट में भी एक्टिव है। हाल ही में भाजपा ने 5 पूर्व विधायकों को पार्टी में शामिल कर लिया है। इस दौरान मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, भाजपा महासचिव राम माधव और उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान ही राम माधव ने विपक्ष पर जबरदस्त तंज कस दिया। दरअसल पूर्व विधायकों को पार्टी में शामिल कराने के बाद जैसे ही कार्यक्रम में फोटो सेशन होने लगा, राम माधव ने अपील की कि सभी नेता मास्क को थोड़ा नीचे कर लें, वरना कांग्रेस कहेगी कि ये उनके विधायक ही नहीं थे और भाजपा ने फोटो ऑप के लिए दूसरे लोगों को बुलाया था। उनके इस बयान के बाद कार्यक्रम में ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसके साथ ही राम माधव के एक दावे ने कांग्रेस के होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा कि अभी मणिपुर में और भी कांग्रेस विधायक कांग्रेस छोड़ेंगे। बता दें कि भाजपा सरकार अभी विधानसभा में 34 विधायकों के समर्थन का दावा करती है। इसी सोमवार को राज्य में हुए विश्वास मत परीक्षण में सरकार ने 28-26 से जीत हासिल की थी। तब कांग्रेस के 8 विधायक सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए थे। राम माधव ने कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मणिपुर में विपक्ष ने पूरे 15 साल शासन किया। इसके बाद 2017 में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार बनी। पिछले 3.5 सालों में मणिपुर पूर्वोत्तर का सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य बना है। यहां 16% की दर से GDP बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि मणिपुर में सड़कों के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं। ऐसी कुछ और खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ मैक्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।